छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय सेना के अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार सरकारी संपत्ति को पहले ही बेच चुकी है, अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए भी पैसे नहीं है? क्या इनके पास देश में सुरक्षा करने वालों के लिए भी पैसे नहीं है? ये देश सुरक्षा से खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना होगा कि ऐसी स्थिति क्यों आई। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ये बताए कि पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे। पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। पूर्णकालिक भर्ती करने में क्या तकलीफ है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? हजारों बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, तो यदि वह गुमराह हो गए तो उस गाँव के प्रदेश की स्थिति क्या होगी? जवान 20 साल बाद मैच्योर हो जाता है, उसमें समझ आ जाती है। ये युवा जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उतने मैच्योर नहीं रहेंगे, इस प्रकार करना ठीक नहीं। इसके साथ ही बघेल ने ये भी कहा कि 4 साल बाद जब जवान वापस आएंगे तो क्या सभी को पुलिस में नौकरी मिलेगी? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पर काम करती है, देश दुश्मन को खत्म करने का काम करती है। दोनों की ट्रेनिंग अलग होती है, इसे एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पुलिस आंदोलनकारियों को बातचीत से समझाती है, सेना वो नहीं करती। जो सेना से बेरोजगार होकर लौटेंगे उसे तो बंदूक चलाना ही आएगा। ये समाज को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं? ऐसे लोगों पर तो गिरोह बनाकर आपराधिक घटना में शामिल होने की भी आशंका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।